नमस्कार व्यूअर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्रेंथ पॉइंट। जी हाँ सज्जनों, मैं यही बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्रेंथ पॉइंट्स। सज्जनों, जब तक आप जॉब करते हैं, जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते, ये मेरी सोच है। यदि आपको अमीर बनना है तो निश्चित रूप से कोई बिजनेस किया करना जरूरी हो जाता है, और जब बिजनेस किया जाता है तो क्यों नहीं आप ठेकेदारी कर सकते हो। आइए आज मैं वो बताता हूं कि ठेकेदार को कौन कौन से वो स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ठेकेदार, जो मैं आपको आज 8-10 पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान से काम करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ को कोई नहीं रोक सकता। ठेकेदार के सफल होने के सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट है ये, इन पॉइंट्स को आप कर सकते हैं। सज्जनों, आज का दिन आपका लक्की डे हो सकता है, बशर्ते कि एक तजुर्बेदार ठेकेदार के मुंह से आप अपनी सफलता के राज सुन सकते हैं। कैसे आप सफल हो सकते हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको 7 मिनट मेरे साथ बना रहना बहुत जरूरी है। सज्जनों, ठेकेदार जब भी अपनी कंपनी खोलता है तो मैं कहूंगा आप अपनी कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक रखिएगा। यूनिक से मेरा मतलब है वो नाम रखिएगा जो आजकल ज्यादा प्रचलित है, और उस नाम के अंदर आपका, आपकी कंपनी का वर्क का पता चलना चाहिए कि आप कौन सा वर्क करते हैं। जैसे आरसीसी वर्क करते हैं तो आरसीसी का वर्क का पता चलना चाहिए, बिल्डिंग वर्क करते हैं तो बिल्डिंग वर्क का पता चलना चाहिए, या और कोई आप वर्क करते हैं तो उसका पता उस नाम के अंदर चलना चाहिए। दूसरी बात आती है, ऐसा नाम रखिएगा आप जो मैं बता रहा हूं। और दूसरा है कि अपनी कंपनी का लोगो जरूर बनवाइएगा। यदि आप अपनी कंपनी का लोगो बना लेते हैं तो उससे जहां अपने जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आपके मशीनरीज हैं, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, उन पे आपकी कंपनी का लोगो और नाम जरूर होगा, तो लोग बाग रास्ते चलते पूछते रहेंगे कि ये फलां कंपनी की गाड़ी है और ये उसी का लोगो है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट अपने आप होता रहेगा। तीसरी बात आती है कि कंपनी की मार्केटिंग करें, ब्रांड नेम बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। जब तक आप अपनी कंपनी की ब्रांड नेम नहीं बनाएंगे तब तक आप बहुत अच्छे ठेकेदार नहीं बन सकेंगे, आप बहुत अच्छी कंपनी नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपनी कंपनी का ब्रांड नेम स्थापित करने की कोशिश कीजिएगा। और ब्रांड नेम स्थापित कैसे होगा, उसका तरीका है आपको क्वालिटी अच्छी देनी होगी। सज्जनों, इसके बाद में आता है, चौथी बात आती है कि सोशल मीडिया का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आप बहुत अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, अपनी ठेकेदारी के बिजनेस को बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी आपके काम चलते हैं उनकी फोटोज, बड़ी शानदार फोटोज आप निकालिए, उनको अपनी वेबसाइट पे वो अपलोड कीजिए, वीडियो बनाइए, अच्छे काम जो आप कर रहे हैं, आपके काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो चल रही है उसके वीडियो बनाइएगा, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में भी उसका वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कीजिएगा, ताकि लोग बाग जब भी देखेंगे तो आपकी क्वालिटी का, आपके काम करने के तरीके का, सारी बातों का पता चलेगा। सज्जनों, अब इसके बाद में बात आती है कि अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। यदि आप बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करने होंगे, और उन सब को कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है इसके ऊपर आपका भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए जब भी आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करें तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, चाहे रेट वो आपसे 2 रुपये ज़्यादा ले लेवे, मैं ये कहूँगा। सज्जनों, इसके बाद में मैं कहूँगा आपको एक बहुत ही गुड अकाउंटेंट रखना चाहिए, ऐसा अकाउंटेंट जो हर खर्चे को हर हेड के मुताबिक डाले। कई बार कई अकाउंटेंट अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें ठेकेदारी के बिजनेस का पता ही नहीं होता है, वो किसी किराने की दुकान के बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ मुनीम रहे हुए होते हैं, अकाउंटेंट रहे हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ठेकेदारी का कह कह गए, तो वो जो खर्चे करते हैं, जैसे ही आपने उनको बिल दिया उन्हें पता नहीं होता, वो अलग हेड में उस बिल को डाल देते हैं,
ऐसी स्थिति में जब इनकम टैक्स में आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो गलत हेड के कारण वो आपके खर्चे हैं वो सब मान्य नहीं किए जा सकते ऐसे। इसलिए मैं कहूँगा आपको प्रॉपर मुनीम रखना चाहिए, जो मुनीम किसी अच्छी कंपनी में रहा हुआ हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप की कंपनी में रहा हुआ हो, ऐसा मुनीम आपको रखना चाहिए। अगली बात आती है कि आपको अपना लॉयर है वो बहुत ही बढ़िया लॉयर को रखना चाहिए, बहुत अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए, इनकम टैक्स में सेल टैक्स के सारे काम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा मुनीम और लॉयर दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। कई बार क्या होता है आपने लॉयर रख लिया मगर वो मुनीम को पसंद नहीं करता, वो बार बार कहता रहता है यार क्या मुनीम ले लिए रख लिया आपने, ये कुछ समझता ही नहीं है। अब लॉयर तो लॉयर होता है साहब, वो उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा ही बैठा है, हर बात उसको समझाने के लिए नहीं बैठा है, उनको इतनी फुर्सत नहीं होती, तो वो बार बार फिर परेशान होके वो जैसे तैसे कागज सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। इसलिए मैं कहूँगा लॉयर और अकाउंटेंट ये दोनों का सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। लॉयर की एक बात के इशारे में अकाउंटेंट वैसे के वैसे कागज डॉक्यूमेंट सबमिट कर देवे, ऐसा आपको अकाउंटेंट रखना चाहिए और ऐसा लॉयर रखना चाहिए। इसके बाद में आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, जिसके ऊपर आपके काम का पता चल सके, आपके कस्टमर यानी विभागीय अधिकारी आपको कहीं सर्च करने, कोई स्पेशल काम आप यदि करते हैं, कोई स्पेशल वर्क आप करना जानते हैं तो अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ होगा, तो विभागीय अधिकारियों को जब भी उस काम की ज़रूरत होगी वो पहले आपको कॉल करेंगे और NIT की कॉपी आपको भिजवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा आपको गुड लुकिंग प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में मैं कहूँगा कि आपके पास एक वेब बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम भी होना चाहिए। जब तक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत ही शानदार नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर सकेंगे। सजनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को लगभग 7 बजे एक वीडियो और अपलोड करता हूँ। टोटल 2 वीडियोज होते हैं जो मेरे जीवन के अनुभवों का निचोड़ होता है, उनमें वो सारांश मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस 7 से 8 मिनट के वीडियो में डालने की। और यदि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख करके आप फायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।